अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से आप अच्छे ही होंगे। आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज जुमा है तो आज चौथा रोज़ा है ना। हाँ, तो आज मैंने सोचे कि आलू के पैटिस बनाती हूँ, जो हम आलू में सॉरी ब्रेड में भरते, ब्रेड पकौड़ा जिसे बोलते हैं, वो बटाना डालूंगी उसमें। और जो मैंने उस दिन बटाटे वड़े के लिए जो मैंने ऐसा कूट के बनाया था ना, वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें बटाने ऐड हुए। और ये मैंने गोश्त साफ करके रखी हूँ, बोनलेस है ये गोश्त। और इसमें मैंने एक कली प्याज ले ली हूँ, बहुत बारीक बारीक, देखो चना बोटी की जैसा मैंने ऐसा काट के ली हूँ। और इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज डाली हूँ, और इसमें अभी पड़ेगा एक टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सॉल्ट है ये। क्या बना रहे हैं? ये गोश्त के रोल, चीज वाले। थोड़ा सा जीरा पाउडर और आधी से भी कम धनिया पाउडर है। पिंच गरम मसाला डाल रही हूँ और आधी से भी कम हरा मसाला। इसको हमें मिक्स दे देना है अच्छा सा एक, और कुकर में डाल दूंगी मैं भी इसको। और इसको अच्छा नरम होने तक गलाना है, मतलब हाथ से ही जब चम्मच मारेंगे ना हम लोग, तो उसी में वो फिस हो जाएगा। अब इसको गोश्त गलने तक मुझे गला लेना है बस। और इसमें आधी से भी कम टीस्पून हल्दी डालना है। ऑयल, हाँ ऑयल, मेरे को रोजा लग गया। ऑयल ऑयल सॉरी ऑयल ऑयल डालना है। अच्छा मिक्स कर देंगे, और ये भी ब्रेड में बनेगा और ये भी ब्रेड में बनेगा। मैंने रेशा कर ली हूँ इसको। अभी मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाली हूँ, थोड़ी कोथमीर डालूंगी, थोड़ा मैं दूध डालूंगी अंदर, की बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। और मस्का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक टीस्पून जितना मैंने ली हूं। और चीज लेंगे, लेंगे हम लोग चम्मच से, प्रॉपरली मिक्स नहीं होएगा। चीज इवनली सब जगह स्प्रेड होएगा ना, तो ही मजा आता है रोल में। बस इसकी कंसिस्टेंसी देखो ऐसी होनी चाहिए, सॉफ्ट, कबाब से भी नरम। और क्योंकि इसमें मस्का और दूध मैंने इसके लिए डाली हूँ, क्योंकि गोश्त है ना ड्राई हो जाता है एक पॉइंट पे, और फ्राई होगा तो और ड्राई हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें मस्का मॉइस्चर के लिए, और मिल्क। और जब मैं उबालती हूँ ना तो एक प्याज डालती हूँ, तो उससे ना अपना गोश्त एकदम सॉफ्ट रहता है, और जब खाते हैं ना तो बहुत टेस्ट आता है उसमें। ब्रेड के सारे कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स हमको निकाल देने हैं ऐसे करके, और फिर इसमें अपना मिक्सचर भरेंगे। कॉर्नर्स को हमको ऐसा भिगाने का है, हल्का सा स्क्वीज करने का है,
और फिर इसमें हमारा ये मिक्सचर भरेंगे हम लोग। पेटिस तैयार हो चुके हैं और मैं छोटे छोटे बनाती हूँ एक ही ब्रेड में वन साइड फोल्ड करके, क्योंकि डबल ब्रेड का बनाओ ना तो बहुत हैवी हो जाता है, वो अक्का खा ही नहीं जाता है, तो हम लोग ना ऐसे बनाते हैं। अब ये इसको इसमें डाल के मैं लपेटूंगी और तल दूंगी, और ये मेरे गोश्त के रोल है, इसको ऐसे ही तलना, इसको तो ऐसे ही तलना है। ये प्याज के भजिए के लिए प्याज काट रही हूँ, क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे बनते हैं, काट दी हूँ मैंने इसमें, और एक मिर्ची बारीक कट के डालूंगी। ये सब रेडी करके मैं रख दूंगी अभी, फिर मेरे रोल क्या बोलते हैं ब्रेड पकोड़ा और रोल तलने लूंगी ना गोश्त के, उसके बाद एंड में ये भजिए तलूंगी। तो मैं इसका बैटर नहीं बनाती हूँ, बस इस पे हर चीज डाल के मैं रख देती हूँ और एंड में इस पे हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। मिक्स नहीं करूंगी कुछ भी, और नमक बस ऐसे ही डाल के रख दूंगी, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है अगर प्याज में मिल जाएगा तो। ये सब रेडी करके रखती हूँ, और जब एंड में जब तलने का टाइम आएगा ना फिर मिक्स करके मैं फ्राई कर दूंगी। फ्राई कर रही हूँ अभी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़्यादा गर्म नहीं करना है तेल, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, बस ऐसे ही तेल चाहिए हमको। अगर ज़्यादा तेल और मीडियम पे कर देंगे तो तेल चूसता भी नहीं है और क्रिस्पी क्रिस्पी रोल फ्राई होगी। अब इसको क्या करें, रुक। बस ना ब्रेड पकोड़ा बन गए हैं, तो देखो ये भी बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट है बीच में से और साइड में से कड़क है, और भी फ्राई हो गए।
बटर जो मेरा बच गया था ना, उसका मैंने ये तीन वड़ा बना के लिए वो भी मैं फ्राई कर दूँ। सब तल के हो गया, अभी लास्ट में मेरा भजिया बाकी है। ये थोड़े कड़क कड़क के अच्छे लगते हैं और गरम गरम।